तो आपका जो गुड़हल का पौधा है पूरा सर्दियों में, अगर वो अच्छी से फ्लावरिंग नहीं की थी, वो आपका जो गुड़हल का पौधा है उसमें अच्छी कलियां नहीं बन रही थी, नए नए ब्रांच नहीं आ रहे थे, वो सूखने का कगार में था। तो दोस्तों आज फरवरी में आपको कुछ ऐसे काम कर लेने हैं जिससे आपके पूरा फरवरी मार्च अप्रैल आपके गुड़हल के पौधे में फूलों एवं कलियों से भरा रहेगा और उसमें नए नए ब्रांच आता रहेगा। तो दोस्तों आपको करना क्या, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, जो हमारे गुड़हल के पौधे की मिट्टी है, ये देखिए, ये जो मिट्टी है इस मिट्टी में जितने भी घास फूस निकले हुए हैं वो सारे को आप हटा दीजिए, इस तरह से करके हटा दीजिए। और दोस्तों हटाने के बाद क्या करना है आपको, जो हमारी जो मिट्टी है उसको साइड साइड से गुड़ाई कर लेना, बहुत अच्छी तरह से एकदम गुड़ाई कर लेना है। ये देखिए 2 से 3 इंच गहरी आपको गुड़ाई करना है, उससे कम आपको नहीं करना है। ये देखिए जिस तरह से मैं गुड़ाई कर रही हूँ उसी तरह से आपको भी गुड़ाई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से गुड़ाई करना। दोस्तों आपको गुड़ाई कौन पौधे में करना, वही पौधों में करना है दोस्तों जो आपका पौधा 6 महीना से साल भर पुराना हो या फिर उससे भी ज्यादा पुराना हो। तो अगर आप उसको रूट पुर्निंग करना चाहते हैं तो आप रूट पुर्निंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा साल भर का पुराना पौधा है तो इसी में मैं कर रही हूँ, इसमें काफी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी और अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा बंद हुआ है, एक दुक्का आ रहा है, तो मैं सोच रही इसमें कुछ काम कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से आपको बहुत अच्छी तरह से मिट्टी को गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने के बाद दोस्तों जो जितने सारे मिट्टी को हम गुड़ाई किए हैं 2 से 3 इंच तक, उस सारे मिट्टी को हमें एक साइड हटा लेना है। ये देखिए गुड़ाई करने के बाद दोस्तों हमारी जो मिट्टी है उसको इस तरह से साइड करके हटा के रख देना है एकदम। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप अपने गुड़हल के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करेंगे तो आप उस गमले में पानी 1 से 2 दिन से पानी नहीं दीजिएगा, उसको सूखा रहने दीजिएगा। पानी देंगे तो फिर जो हमारी मिट्टी वो अच्छी से गुड़ाई नहीं होगा। तो दोस्तों ये देखिए मैं यहाँ 2 से 3 इंच तक गुड़ाई कर ली हूँ, इसकी जड़ इस तरह से पूरा दिख जाना चाहिए एकदम बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए और दोस्तों गुड़ाई करने के बाद हमारी जो मिट्टी इस तरह से हमने साइड कर दी है, साइड करने के बाद दोस्तों ये जो हमारे पौधा है इसको हम 1 से 2 दिन के लिए सूखने दे देंगे। दोस्तों अगर हम इसको धूप में लगने नहीं देंगे तो फिर जो हमारे पौधे में फंगस वगैरह लगा हुआ है, जो कीड़े का अटक है, वो फिर नहीं जाएगा। तो इसलिए अगर हम इसमें धूप लगने देंगे 1 दिन का तो ये जो हमारे फंगस वगैरह है वो सारे मर जाएंगे, दूर हट जाएंगे। तो इसीलिए हमें इसको 1 दिन के लिए छोड़ देना है। दोस्तों 1 दिन के बाद आप इसमें हम कौन सा खाद डालेंगे, दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ गोबर की खाद ली हूँ, सड़ी हुई गोबर की खाद लेना है आपको। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप यहाँ गोबर की खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है तो आपके पास कोई भी किचन वेस्ट कंपोस्ट होगा वो भी आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी बाजार वाला खाद नहीं है तो आप अगर केले के छिलके को रखें सुखा के तो उस केले के छिलके को भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ जो हम मिट्टी हटाई थी 1 दिन पहले, उसके बाद 1 दिन के बाद हमें यहाँ गोबर की खाद डाल देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, देखिए मैं यहाँ गोबर की खाद डाल दी हूँ। दोस्तों ये गोबर की खाद डालने से क्या होता है, हमारे जो मिट्टी में उपजाऊ शक्ति कम हो गई थी, उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो अब हमारे पौधे में मिट्टी में उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और हमारे जो पौधे की ग्रोथ है वो जल्दी से बढ़ेगी और उसमें फूल और कलियां बढ़ना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों करना क्या है, जो मिट्टी हमने उठाई थी उसी मिट्टी को हमें यहाँ फिर से डाल देना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो नया मिट्टी भी डाल सकते हैं। तो ये जो मिट्टी था इसे भी हमने धूप लगने दिए थे तो इसे में भी धूप लग गया है, तो जो फंगस वगैरह का डर था वो तो अब नहीं लगेगा। तो इसलिए इस मिट्टी को भी अब यहाँ हमें फिल कर देना है इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से हमको भर देना है।
अब हमें दूसरा यहाँ कौन सा चीज़ लेना है दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने रात में ही 1 चम्मच चाय पत्ती में 1 लीटर पानी को भिगो के रख दिए थे। तो ये जो चाय पत्ती वाला पानी है दोस्तों, इसमें हम यहाँ अब डालेंगे, हम जो मिट्टी है उसमें डालेंगे। ये चाय पत्ती वाला पानी अगर हम अपने पौधे में डालेंगे दोस्तों, तो हमारे जो पौधे की मिट्टी है वो जल्दी से एसिडिक होगा और हमारा पौधा जो है उसमें फूल और कलियां बनने में मदद मिलती है। तो इसीलिए हमें यहाँ चाय पत्ती वाला पानी डालना है। आप चाहे तो सूखा चाय पत्ती भी डाल सकते हैं और उस ऊपर से पानी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं रात में चाय पत्ती भिगो के रखी थी, वही वाला पानी डाल रही हूँ। और दोस्तों तीसरा हमें क्या करना है, हमारे जो बेकार सी पत्तियाँ हो गई, डालियाँ हो गई है, उस सबको हमें कट कर देना है। इस टाइम अगर हम अपने गुड़हल के पौधे की प्रूनिंग करेंगे तो जाके जल्दी से इसमें नए नए ब्रांच निकलती है, क्योंकि अभी इस टाइम फरवरी का महीना हो गया। आप चाहे तो इसे हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अगर हार्ड प्रूनिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके जो कलियाँ वगैरह बन गई है वो सबको आप काट दीजिए, इस तरह से काट के हटा दीजिए। जो सूख गई है, बेकार सी लग रही है, जो लगता है आपको नहीं खिलेगी, उसको आप काट दीजिए, इस तरह से काट के सारा आप हटा दीजिए। दोस्तों अगर इस तरह से आप एक बार अपने गुड़हल के पौधे में फरवरी में करेंगे तो आपका जो गुड़हल का पौधा है पूरा फरवरी मार्च अप्रैल तक फूलों से भरा रहेगा। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं, नमस्कार।